नमस्कार, फिर से हम स्वागत करते हैं आपका। योगा असली योगा सोसाइटी आपका स्वागत करते हैं, फिर से हम स्वागत करते हैं आपका। योगा असली योगा सोसाइटी की तरफ से योगिनी हेमलता शर्मा का बहुत सारा नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत। आज हम ये चर्चा करने बैठे हैं कि वास्तव में ध्यान होता क्या है, इसको लगाया कैसे जाता है और किन बातों का ध्यान, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है जिससे ध्यान की एकाग्रता को हम पा सकते हैं। सबसे पहले तो जब भी हम ध्यान लगाएं, बड़े सहज होकर बैठें, ऐसा सोच के बिल्कुल ना बैठें कि हम बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। जैसे सिंपल बिल्कुल सहज आप बैठें, बस इतना ध्यान रखें कि आसपास का वातावरण आपका स्वच्छ हो और ऐसे स्थान पर बैठें जो जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर डिस्टर्बेंस कम से कम हो, खुली हवा हो और ऐसा स्थान हो जहाँ पर आपको बैठना अच्छा लगे। आराम से आपको बैठना है चित्त और मन को शांत करके, और ये दिमाग में ये बात सेट करके बैठनी है कि आज मेरे पास बहुत समय है, आज मुझे ध्यान लगाना है, आज मुझे देखना है कि अंदर किस तरह से झांका जाता है, देखा जाता है, कैसे उन सूक्ष्म अनुभूतियों को प्राप्त किया जाता है। तो उन सारी बातों को हमें ध्यान रखना है और ये स्वाभाविक है कि जब हम ध्यान लगाने बैठेंगे तो बहुत सारे विचार, बहुत सारी जो हम सोच भी नहीं पाते ऐसे वाले थॉट्स हमारे दिमाग के अंदर आएंगे, जिनको हमने कभी सोचा ही नहीं, दे विल ट्रिगर, वो हमारे माइंड के अंदर आएंगे। तो ध्यान लगाते समय यदि आपको आपके विचार, आपके थॉट प्रोसेस आपको परेशान करते हैं और आप उस चित्र चीज़ पे जिस पे आप ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं उस पे ध्यान को स्थापित नहीं कर पाते, अपनी धारणा को बैठा नहीं पाते, तो आप कृपा करके जो भी थॉट प्रोसेस हैं उस पे से ध्यान को डिस्कनेक्ट करना है। जो भी चाहे अभी एक समय आप ध्यान लगाने बैठे हो सकता है कि अभी आपके 80 थॉट्स, 80 थॉट आपके दिमाग, विचार आपके दिमाग के अंदर चल रहे हो, पर निरंतर अभ्यास से प्रैक्टिस से जब आप डेली प्रतिदिन जब आप 2 से 3 मिनट का समय निकाल के बैठेंगे तो धीरे 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 आपकी पकड़ मजबूत होगी और वो जो 80 थॉट आ रहे हैं वो कम होकर 70 हो जाएंगे, फिर 60 हो जाएंगे, फिर 50 हो जाएंगे, फिर 40 हो जाएंगे। इस तरह से अपने आप ही स्वतः ही वो डिक्रीज हो जाएंगे और धीरे धीरे इस तरह से आपकी ध्यान की एकाग्रता इंक्रीज हो जाएगी और ध्यान लगाने में सक्षम हो गए हैं। तो ध्यान लगाना यानी एक 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 चित्त की शांति, एक अपने आप के अंदर बैठने में शांति, आपको अच्छा लगना, स्वयं के साथ बैठने में अच्छा लगना ही ध्यान है। तो आप आराम से चित्त और मन को शांत करके कुछ नहीं सोचना है, आराम से बैठें, थोड़ी देर बैठने की भी प्रैक्टिस करें क्योंकि हमसे बैठा ही नहीं जाता। एक स्थान पर बैठने की प्रैक्टिस करें और एकदम चित्त और मन को शांत करके आंखों को कोमलता से बंद करके, और ऐसा लगना चाहिए कि एक बहुत ही सुंदर मूर्ति के साथ में आप बैठे हो और उस मूर्ति की शांति, उसका ठहराव, उसका सुकून उसके चेहरे से झलकता हुआ। इतना शांत होकर बैठें और शांत बैठने के बाद में अपनी श्वास प्रश्वास की क्रिया पर केवल मात्र ध्यान लगाएं, ध्यान को केंद्रित करें। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करने से स्वतः ही आपके ध्यान के प्रति आपकी पकड़ मजबूत होगी और आप ध्यान लगाना सीख जाएंगे, मेडिटेशन करना सीख जाएंगे। विचारों के पीछे कभी नहीं भागना है, विचार आएंगे ही जाएंगे। एक बहुत छोटी सी बात देखिए, हमारे हार्ट यदि धड़कना बंद कर दे तो क्या होगा, हमारी किडनी यदि काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। तो भाई हमारे दिमाग का काम ईश्वर ने दिया है, वो सोचेगा ही, उसका काम है माइंड का सोचना, तो उसको सोचने दो। हम क्या कर रहे हैं और क्या करने बैठे इस बात पे हम ध्यान लगाएं और अपनी चित्त को, अपने माइंड को उस जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है, देख ध्यान में कोई भी ऑब्जेक्ट आपको मेडिटेशन के लिए दिया जा सकता है, कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु हो सकता है, कोई नेचर हो सकता है, सूर्य भगवान हो सकते हैं, चंद्रमा हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिया जा सकता है, उस ऑब्जेक्ट पे अपने ध्यान को निरंतर केंद्रित करें। एक तानंता ध्यानम, लगातार अपने धारणा को, अपने ध्यान को, अपने माइंड को एकाग्रचित करें कि वो चीज़ मुझे देखने के लिए कही गई और मैं कितना फोकस्ड होकर देख रहा हूँ, तो धीरे धीरे अपने आप ही स्वयं में आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और इस तरह से आप ध्यान लगाना धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो इन छोटी छोटी बातों से आप मेडिटेशन को एक बहुत प्योरिटी, बहुत क्वालिटी वाला बना सकते हैं। और यदि आपको ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स हमारी पसंद आती है और आप वास्तव में इसको इम्प्लीमेंट करके देखना है, केवल मात्र सुनना नहीं है, इसका अभ्यास करके देखना है, आप शांत चित होकर बैठिए,
विचार आएंगे, विचार जाएंगे, आने दो, विचारों का काम है, माइंड का काम है सोचना करना, उनको आने दो, जाने दो। आप उस बात पे फोकस करो कि मुझे ध्यान किधर केंद्रित करना है, क्या सूर्य भगवान को देखना है कंटिन्यूसली, क्या मुझे चंद्रमा को देखना है, क्या मुझे नेचर को देखना है, क्या माँ गंगा की गोद को देखना है, इस तरह से ऑब्जेक्ट क्या है, या अपनी श्वास परश्वास की क्रिया पे ध्यान लगाना है, या इस शरीर के बैठी अंदर बैठी हुई आत्मा पे ध्यान लगाना है, या किसी एक बिंदु पे ध्यान लगाना है, कुछ भी ऑब्जेक्ट आपका हो सकता है। आप लगातार एक टक बंद आंखों से भी त्राटक करते हुए, यानी बंद आंखें भी आपकी झपकनी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा आपका होना चाहिए कि नहीं नहीं कहीं वो मेरी ध्यान से डिसअपियर ना हो जाए, कहीं मेरी ध्यान से वो ओझल ना हो जाए, इतना एकाग्रचित एकटक होके आपको देखना है। तो धीरे 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 वो थॉट प्रोसेस जो है वो कम होता जाएगा और आपकी ध्यान की एकाग्रता इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। थैंक यू सो मच। और यदि आपको पसंद आता है हमारा ये छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए, तो आप योगास्ली योगा सोसाइटी के यूट्यूब चैनल से कनेक्ट रहिए, और हमारा ये प्रयास है कि सभी बहुत अच्छे से ध्यान लगाना सीख जाए, मेडिटेशन करना सीख जाए, छोटी छोटी बातों को जो हम समझ नहीं पाते ध्यान लगाते समय, उनको हम समझें और अपने जीवन में एक शांति, एक सौहार्द, एक तसल्ली, एक ठहराव, एक समझदारी हमारे जीवन के अंदर लाएं। और यदि आपको कुछ पूछना है, जानना है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उन सभी कमेंट्स का स्वागत करते हैं और हमारे अनुभव के आधार पे उन सभी का हम कोशिश करेंगे रिप्लाई देने की। थैंक यू सो मच ऑल।